अब ये देखिए हम लोगों ने इसको किया है और ये जो सैंपल है हमारा, इसमें हमारा एंड पॉइंट हमें मिल गया है जो कि है और रेडिश ऑरेंज। ठीक हो गया, हम लोगों ने इसको परफॉर्म किया और जो अब इस टाइम हमारी रीडिंग हमें मिली है यहाँ पे वो है 14.9। जो 14.9 है उस रीडिंग को आप लोगों ने किस तरह से करना है, क्योंकि जो लास्ट जो इनिशियल रीडिंग थी वो 4.4 थी, तो 14.9 हमारे पास नेक्स्ट रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी के लिए टाइफाइड की वैल्यू आई है वो है 10.5, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया, अब मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ कि बेसिकली आप लोगों ने वो किस तरह से जो फॉर्मूला है वो किस तरह से हमारे पास आएगा। आप एक मिनट वीडियो को पॉज करें। स्टार्ट। जी हम लोगों ने अब टाइट्रेंड की वैल्यू तो हम लोगों ने कंप्लीट परफॉर्म किया, जिसके पास अब जिससे हमारे पास फिनोक्लिन अल्केलिनिटी की हमारे पास जो रीडिंग आई है, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि अल्केलिनिटी जो है जो फिनोक्लिन के लिए है, ठीक है, वो आई है हमारे पास टाइट्रेंड की वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ, अल्केलिनिटी की वैल्यू की बात नहीं करी, वो आई है हमारे पास 4.4। और जो हमारे पास आई है मिथाइल ऑरेंज के लिए वो आई है हमारे पास, तो हम लोगों ने उसको सब्ट्रैक्ट करके देखा था, वो हमारे पास आई है 10.5। ये हमारी टाइट्रेंड की वैल्यू है। अब उस टाइट्रेंड की वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें यूज़ होगी जिससे हमारे पास अल्केलिनिटी जो हमारे सैंपल में मौजूद है वो आएगी। जो अल्केलिनिटी है, जो अल्केलिनिटी के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है वो क्या होता है, अल्केलिनिटी हम लोग हमेशा क्लियर करते हैं अल्केलिनिटी एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक हो गया, तो फॉर्मूला उसके लिए क्या होता है, ए माइनस बी इंटू 0.02 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एमएल ऑफ सैंपल। अब इसमें ये क्या चीज़ें हैं, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अल्केलिनिटी मैंने बताया हमेशा आती है, अल्केलिनिटी या कैल्शियम कार्बोनेट हम हमेशा मैयर करते हैं, मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला लगेगा इसका जो हमारा आंसर आएगा वो होगा मिलीग्राम पर लीटर एस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक हो गया, मिलीग्राम पर लीटर एस कैल्शियम कार्बोनेट आएगा। तो ये चीज़ें क्या है ये मैं डिस्कस करूँ, ए माइनस बी, ए क्या है, ए हमारी वो टाइट्रेंड की वैल्यू है जो कॉपर H2SO4 की 0.02 नॉर्मल जो हमारा टाइट्रेंड था उसकी जो हमारे पास ब्यूरेट पे रीडिंग आई वो है ए। ठीक हो गया, उसको जस्ट एक नोमेनक्लेचर असाइन किया हुआ है। और बी है हमारी ब्लैंक की वैल्यू, हम ब्लैंक के लिए भी कंप्लीट, ब्लैंक मीन्स हम लोग डिस्टिल्ड वाटर सिंपल जिससे हम लोगों ने जिसमें हम लोग को आइडिया है कि किसी किस्म का कोई भी मौजूद नहीं है, अल्केलिनिटी मौजूद नहीं है, हम उसको लेते हैं, उसको लेके उसके परफॉर्म करते हैं जिसको हम लोगों ने सारे रिएजेंट्स बनाने में यूज़ किया होता है। रिएजेंट्स मीन्स फिनोक्लिन अल्केलिनिटी और जो हमारा H2SO4 है, हमारी मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है और फिनोक्लिन इंडिकेटर है, ये सारे जो रिएजेंट्स बनाने में हमारे पास पानी यूज़ होता है वो हम लोग डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ करते हैं तो हम लोग, मे बी हो सकता है कि हम लोगों ने जब उसको बनाया हो तो उसमें ऑलरेडी कोई अल्केलिनिटी मौजूद हो, तो मे बी जब हम लोग टाइट्रेंट्स को और इंडिकेटर्स को पानी में ऐड कर रहे थे तो उसकी वजह से कुछ अल्केलिनिटी पानी में ऐड हो गई। ठीक हो गया, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले उस ब्लैंक को भी मैयर कर लें कि मे बी उसमें कुछ अल्केलिनिटी हो या ना हो। उसको भी हम लोगों ने सेपरेटली यहाँ पे परफॉर्म किया था जिसको हमने आपको शो नहीं किया, लेकिन उसमें हम लोगों को कोई अल्केलिनिटी नहीं मिली, हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर था वो बिल्कुल क्लीन था, इस वजह से इस टाइम जो हमारे टाइट्रेंट की वैल्यू है वो ज़ीरो है। ठीक हो गया, तो ब्लैंक जो है वो हमारे ब्लैंक, ये बी जो है हमारी ब्लैंक की वैल्यू होगी, तो वो हमारे पास इस टाइम जो है वो ज़ीरो है। ठीक हो गया, 0.02 क्या है हमारी नॉर्मेलिटी जो हमारे टाइट्रेंट की है, ये नॉर्मेलिटी है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ये नॉर्मेलिटी है। उसके बाद ये जो 50 है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम एज ए कैल्शियम कार्बोनेट यूज होती है, इस वजह से फॉर्मूला में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाजमी मेंशन होता है। 1000 क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे यूनिट को बैलेंस कर रहा है, यूनिट को बैलेंस इस तरह से कर रहा है कि यहाँ पे एमएल ऑफ सैंपल हम लोगों ने मेंशन करना है, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था कितने एमएल ऑफ सैंपल हम लोगों ने टाइट्रेशन फ्लास्क में डाला था, तो वो हम लोगों को पता है हम लोगों ने 50 ml ऑफ सैंपल फ्लास्क में डाला था, तो एमएल को ये 1000 जस्ट बैलेंस कर रहा है, इसके अलावा 1000 का और कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमारा मिलीग्राम्स पर लीटर में हमें आंसर चाहिए, एमएल में नहीं चाहिए। तो हम अपनी जो वैल्यूज़ है इसमें हम मेंशन करके देख लेते हैं। फिनोक्लिन अल्केलिनिटी अगर हम लोगों ने निकालनी हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4.4 माइनस 0 इंटू 0.02 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 50, जो कि हमारा एम्पल ऑफ सैंपल है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 88 mg/L एज कैल्शियम
कार्बोनेट, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें फिनॉक्सिलीन अल्केलिनिटी मिली है, हम लोगों ने अगर मिथाइल और एल्केलिन भी इस तरफ आ जाए, अगर दिखानी हो तो हम लोग सेम फार्मूला लगाएंगे, तो वो किस तरह से होगा, 10.5 - 0 × 0.02 × क्या आ जाएगा 50 × 1000 / 50, तो ये हमारे पास आता है आंसर 210, ठीक हो गया। ये भी हम लोग लिखेंगे मिलीग्राम्स पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। सो हमारी टोटल एल्केलिनिटी जो होगी हमारे सैंपल में वो क्या होगी, वो इन दोनों एल्केलिनिटीज का की एडिशन था, हम लोग सम अप करेंगे इन दोनों एल्केलिनिटीज को, तो वो हमारे पास टोटल एल्केलिनिटी होगी। तो वो क्या होगा, 210 = जो इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा वो आप लोगों की टोटल एल्केलिनिटी होगी, ठीक हो गया। टोटल एल्केलिनिटी हमेशा पानी में फिनॉक्सिलीन एल्केलिनिटी और मिथाइल ऑरिजिन एल्केलिनिटी का को ऐड करके आती है, हमेशा जो टोटल एल्केलिनिटी होती है इन दोनों को सम करके टोटल एल्केलिनिटी हमारे बॉडी में होती है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कोई सैंपल हमारा ऐसा हो, या पानी ऐसा हो जिसमें इन दोनों में से कोई एक एल्केलिनिटी मौजूद हो, मीन्स उसमें हाइड्रोक्सल आइंस तो मौजूद थे लेकिन कार्बोनेट आइंस नहीं थे, या मे बी कार्बोनेट आइंस मौजूद थे लेकिन हाइड्रोक्सल आइंस नहीं थे, तो उसमें क्या होगा, जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे, अगर हम लोग सैंपल हम लोगों ने लिया है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने फिनॉक्सिलीन इंडिकेटर ऐड किया था, तो उसमें पिंक कलर अपीयर नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि हमारे सैंपल में फिनॉक्सिलीन एल्केलिनिटी मौजूद ही नहीं है, इस वजह से हमारा इंडिकेटर जो है वो उसको इंडिकेट ही नहीं कर रहा क्योंकि उसमें मौजूद ही नहीं थी, तो वो उसमें कभी भी उसमें ऐड नहीं होगा, उसमें पिंक कलर अपीयर नहीं होगा, तो हम लोग उसको उस स्टेप को वहीं स्किप करेंगे और उसमें मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे, तो उसमें अगर मिथाइल ऑरेंज कलर अपीयर हो जाएगा तो सेम बाकी सारा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। इसी तरह अगर हमारे सैंपल में मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी मौजूद नहीं है तो मिथाइल ऑरेंज डालने से उसमें कलर अपीयर नहीं होगा, ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक हो गया। तो इंडिकेटर बेसिकली इंडिकेट करेंगे, अगर उन दोनों में से कोई भी इंडिकेटर इंडिकेट नहीं कर रहा, अपना कलर अपीयर नहीं कर रहा जो कि होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो एल्केलिनिटी स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी मौजूद नहीं होगी तो यहाँ पे हम लोग जीरो मेंशन करके जो भी टोटल एल्केलिनिटी होगी वो हमारी मिथाइल ऑरेंज एल्केलिनिटी के इक्वल होगी। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज के अगर एल्केलिनिटी जीरो होगी तो टोटल एल्केलिनिटी हमारी फिनॉक्सिलीन एल्केलिनिटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर था एल्केलिनिटी निकालने के लिए, जिसमें हमने आपको परफॉर्म करके भी दिखा दिया कि टाइट्रेशन एल्केलिनिटी के लिए परफॉर्म कैसे करते हैं, और उसका फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट।